हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक सर्किट को स्टडी किया था, वैसे ही इस चैप्टर के अंदर अब पूरा का पूरा मैग्नेटिक सर्किट समझेंगे, यानी कंप्लीटली मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, रिलक्टेंस क्या होता है, मैग्नेटिक पाथ क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है। सर, ये मैग्नेटिक सर्किट रियलिटी में होता क्या है? भैया, कोई भी मोटर है, यानी उसके अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन है वायर वगैरह का, चाहे कोई फैन है, चाहे जहां भी मैग्नेट का यूज होता है, वो सारा मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन है, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। तो सर, इसका मतलब क्या हुआ, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा किसी भी सर्किट में जो क्लोज्ड पाथ फॉलो किया जाता है, कंप्लीटली क्लोज्ड पाथ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। ये क्या है, ये तो सर वही फ्रेम है, यानी लोहे का कोई या आयरन का या स्टील का फ्रेम है, जैसे हमने देखा है ट्रांसफार्मर के अंदर होता है, यहाँ कहीं भी मिल जाता है। अब इस पर हमने देखा है सर, इस तरीके से वायर लपेटे हुए होते हैं, यानी रैप्ड होते हैं वायर। वायर के अंदर जैसे ही वोल्टेज देते हैं तो करंट पैदा हो जाता है, यानी करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन ही एमएमएफ कहलाता है। जैसे किसी बैटरी के अंदर ईएमएफ होता है। सर बिल्कुल सही बात। तो जैसे ही इस कॉइल पे, यानी कॉइल क्या कहलाती है, कॉइल कहलाती है, यानी कि इस तरीके से वायर को इस तरीके से लपेट दो, यानी गोल गोल लपेटना कई सारी टर्न्स, यानी एक टर्न्स को तो टर्न बोलेंगे, और एक से अधिक टर्न लपेट दी जाए तो उनको बोलेंगे कॉइल। समझे बात। इफ करंट अप्लाइड ऑन एनी वायर देन मैग्नेटिक फ्लक्स सेट अप ऑन द लेंथ अक्रॉस द वायर, यानी किसी भी तार पे अगर करंट दिया जाता है तो उसकी लेंथ के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो सर इसमें भी होगा। अब जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा इस कॉइल में, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के अंदर जाने लगेगा, यानी ट्रेवल करने लगेगा। कोर क्या है सर, ये जो लोहे की पत्ती होती है, यानी आयरन की पत्ती जिसके ऊपर तारों को लपेटा गया है। सर कंप्लीटली मैग्नेटिक सर्किट किसको बोलेंगे, यानी कंप्लीटली मैग्नेटिक सर्किट बोलो या क्लोज लूप बोलो, किसको बोलेंगे सर? जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बोलते थे कि अगर कोई तार टूटा हुआ है तो वो कंप्लीटली सर्किट नहीं है, अगर कोई वायर कंप्लीटली लूप्ड है तो उसी को कंप्लीटली सर्किट बोला जाएगा, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आके अंत होना चाहिए सर्किट का। तो सेम इसमें भी, जहां से फ्लक्स स्टार्ट होता है वायर में यहां से स्टार्ट होता है ना फ्लक्स इस तरीके से, तो भैया इस कोर के अंदर भी यहां से ए से स्टार्ट हुआ तो ए बी सी डी ए, यानी ए से स्टार्ट हुआ तो ए पे ही अंत होना चाहिए, यानी ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। सर ये ए बी सी डी ए क्या है, ये उस कोर के क्या है, कोन है, यानी कोने हैं, कुछ भी नहीं है, समझाने का तरीका है। सर कोर क्या होती है, ये तो आप बता दिए कि कॉइल बता दिए, फ्लक्स बता दिए, एमएमएफ को अच्छे से बता दिया। कोर क्या होती है, कोर इस पत्ती को बोलते हैं, जो ये पत्ती लगी हुई है इसमें, इसको क्या बोला जाता है भैया, कोर बोला जाता है। समझे बात। मान लीजिए डस्टर है, डस्टर के ऊपर मैं वायर लपेट दूं किसके, कॉपर के, तो जो तार लपेटे जा रहे हैं वो तो कहलाएंगे टर्न, यानी कॉइल कहलाएगी, वो कॉइल कहलाएगी जो लपेट जाएंगे तार, लेकिन ये डस्टर क्या कहलाएगा, ये कोर कहलाएगा। समझे बात। कोर यानी पत्ती जो होती है, यानी लोहे का जो भी टुकड़ा होता है बीच में, उसको कोर बोला जाता है। तो यहां से आपको समझ में आया मैग्नेटिक सर्किट बनता कैसे है। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, कोई भी जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो हाई परमिएबिलिटी मटेरियल से बना होना चाहिए। सर हाई परमिएबिलिटी मटेरियल क्या होते हैं, जो फ्लक्स को आसानी से फ्लो करा दे, उनको हाई परमिएबिलिटी मटेरियल बोला जाता है। सर वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं भैया सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताए थे पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक। समझे बात। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी हाई परमिएबिलिटी होती है, मान लीजिए, तो कौन कौन से होते हैं, आयरन और सॉफ्ट स्टील ऐसे मटेरियल हैं जो हाई परमिएबिलिटी मटेरियल्स होते हैं। समझे बात। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, अ मैग्नेटिक सर्किट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक सर्किट बने हुए होते हैं किसके बने हुए होते हैं, यानी कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं, हैविंग, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, हैविंग
हाई परमिएबिलिटी। अब इसको नोट डाउन कर लेना, हाई परमिएबिलिटी यानी जिन मटेरियल्स की हाई परमिएबिलिटी होगी उन्हीं से आप मैग्नेटिक सर्किट बनाइए। तो किसके बने हुए होते हैं? आयरन और स्टील के बने हुए होते हैं, और आयरन स्टील क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्यों बनाते हैं? बिकॉज दीज मटेरियल्स ऑफर वेरी स्मॉल अपोजिशन टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सर्किट। यानी ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, जो मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स का कम अपोजिशन करे यानी अच्छे से फ्लो करा दे उसी को क्या कहलाते हैं? हाई परमिएबिलिटी मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और उसी को यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। समझे बात? तो यहां से इसको नोट डाउन करिए और मैं इसको रफ कर देता हूं, इस पॉइंट को याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप इन द कॉइल, यानी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स का अमाउंट सेटअप होता है, यानी सेटअप का मतलब जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है किसी भी सर्किट के अंदर, वो डिपेंड किस पे करती है? सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डिपेंड बोले या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले एक ही बात है, किस पे करती है? नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ करेंट। क्या मतलब हुआ सर? आपको बताए थे हम MMF यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है N इंटू आई, यानी MMF इसी को तो बोलते हैं। यानी सर इसको एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर MMF होता है। क्या होता है सर? समझे नहीं, आपने देखा होगा कभी भी किसी मोटर को बनाने के लिए उसमें टर्न्स ली जाती हैं, यानी क्या होता है कॉपर का तार लपेटते हैं। तो अगर सर तार को बढ़ा दिया जाए किसी भी सर्किट में तो क्या उसका फ्लक्स बढ़ जाएगा? हाँ जी बिल्कुल बढ़ जाएगा। सर मैंने तार को तो कांस्टेंट रखा और उस सर्किट में मैंने करंट की मात्रा को बढ़ा दिया है तो भी फ्लक्स बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। यानी कोई एक चीज बढ़ा दोगे तब भी बढ़ेगा फ्लक्स, और दोनों चीज बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा फ्लक्स। तो सर हम जो है छोटी सी मोटर लेते हैं और उसी में करंट की इतनी ज्यादा मात्रा दे देते हैं, बहुत सारा फ्लक्स पैदा कर लेंगे और उसी से सारा काम करा लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आप करंट की मात्रा भी बढ़ा रहे हो तो आपको टर्न्स की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कहीं छोटी मोटर काम में आती है जहां लोड कम होता है, और जहां लोड ज्यादा होता है वहां बड़ी मोटर लगाते हैं। सर ये बड़ी छोटी मोटर रियलिटी में है क्या? भैया यही है, जितनी ज्यादा टर्न्स लपेटोगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा, और जितना ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा उतनी ही ज्यादा चुंबक बनेगी यानी मैग्नेट बनेगी, और जितनी ज्यादा मैग्नेट बनेगी वो मोटर उतनी ही तेजी से यानी उतना ही लोड उठा पाएगी। क्यों उठा पाएगी? क्योंकि मैग्नेट के अंदर उसका रोटर घुमाया जाता है। भाई जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही तो तेजी से खींच पाओगे ना इस डस्टर को। अब इसके ऊपर मैं 1 क्विंटल वजन रख दूं तो बिना फोर्स के थोड़ी खींच रहा है भैया? जब फोर्स होगा, ज्यादा टर्न्स होंगी, ज्यादा फ्लक्स बनेगा तभी तो खिंच पाएगा ना। सेम वैसे ही मोटर के अंदर फंडा होता है। तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप इन द कॉइल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। कोई बोले सर मैं करंट को तो घटा रहा हूं, करंट को घटा रहा हूं और टर्न्स को बढ़ाए जा रहा हूं, तब क्या होगा? फ्लक्स बढ़ेगी क्या? कैसे बढ़ जाएगी भाई, जब तुम उस पर इनपुट ही नहीं दे रहे हो। यानी करंट कहां से आता है? तारों से। जब इनपुट ही नहीं दे रहे हो, टर्न्स बढ़ाए जा रहे हो, तो मोटर तो बंद पड़ी रहेगी ना, करंट भी देना जरूरी है। तो सर एक क्वेश्चन और आता है यहां से, अगर मैं करंट को भी घटा दूं और टर्न्स को भी घटा दूं तो क्या फ्लक्स तब भी बढ़ेगा? नहीं, ये सेम वैसे ही है, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और घटाओगे तो घटेगा। अब जब किसी को खाना दोगे खाने के लिए तो उसमें ताकत आएगी ना, और जब खाना ही बंद कर दोगे यानी करंट ही बंद कर दोगे देना, तो क्या ताकत आएगी? क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या सर किसी एक चीज को दे दूं मैं, इसको टर्न्स ही दिए चला जाऊं मोटर को और करंट देना बंद कर दूं, तब भी काम नहीं होगा? यानी दोनों का देना ही जरूरी होता है। समझे बात? भैया रियलिटी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? उसका कंस्ट्रक्शन है, यानी इस तरीके से जो उसके अंदर आप क्या करते हो, वाइंडिंग करते हो किसी भी मोटर के, नंबर ऑफ टर्न्स तो वो है, यानी वो भी डिपेंड करती है लोड कैपेसिटी पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स और करंट इन द सर्किट। ये तो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, अगर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और घटाओगे तो घटेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है यहां से, तीसरा पॉइंट आ जाता है द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट।
यानी मैग्नेटिक सर्किट के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोजिशन किया जाता है वो क्या होता है सर? रियलिटी में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यानी इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिशन करता है वो रेसिस्टेंस कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिशन करने वाली प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो सर मैग्नेटिक सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोजिशन करता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भैया रिलक्टेंस, स्पेलिंग लिख लो RELUCTANCE, रिलक्टेंस। अच्छा सर ये तो सेम वैसे लग रहा है जैसे राम का भाई श्याम यानी रिश्तेदारी के होते हैं। हाँ भैया चीज वही है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो रेसिस्टेंस नाम से था, यहाँ रिलक्टेंस नाम से है, उन्हीं सभी चीजों का नाम बदल दिया गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर EMF होता था तो यहाँ MMF, यानी उन्हीं सभी चीजों का नाम बदल के, कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिक सर्किट आपने अच्छे से स्टडी किए हैं तो मैग्नेटिक सर्किट आपको अच्छे से समझ में आएंगे, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से किया है तो मैग्नेटिज्म समझ में आएगा, यानी एक दूसरे की टू कॉपी हैं ये सारे चैप्टर्स, समझे बात? तो इसको यहां से नोट डाउन करिए और रिलक्टेंस की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज रिलक्टेंस। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है रिलक्टेंस, तो यहां से इसको नोट डाउन कर लीजिए रिलक्टेंस। तो सर सेम है रेसिस्टेंस जैसा नाम लग रहा है, रेसिस्टेंस बोलो या रिलक्टेंस बोलो, हाँ बिल्कुल वही चीज है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस होता है वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस होता है, और रिलक्टेंस का सिंबल होता है S, यानी S से दर्शाया जाता है, और रेसिस्टेंस को R से दर्शाया जाता था, तो याद रखना। और इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर टन्स, यानी A से एम्पेयर, T से टन्स पर वेबर, यानी एम्पेयर टन्स पर वेबर। तो इसके एसआई यूनिट अच्छे से याद कर लेना, एम्पियर टन्स वेवर इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, और इसका मतलब होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी किसी भी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फ्लो को रोकता है किसी भी सर्किट में, यानी कहने का मतलब किसी सर्किट में जो चुंबक तब होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र उसको बनने से रोकने वाली प्रॉपर्टी को रिलक्टेंस बोला जाता है। यहां से देखिए किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। सर मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ क्या कहलाती है? ABCDA, हम आपको बताए थे कि जहां से फ्लक्स स्टार्ट होता है किसी भी सर्किट में फ्लो होना और जहां आके अंत होता है उसको बोलते हैं उसकी लेंथ। कैसे सर? अब आपको हम बताए थे इस तरीके से कोई सर्किट होता है, यानी कि यहां से इस तरीके से कॉइल होती है, तो यहां से स्टार्ट हुआ यहां के अंत हुआ ना फ्लक्स का, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होना ही किसी सर्किट में उसकी लेंथ कहलाती है, यानी यहां से लेके यहां तक क्या है इसकी लेंथ है भाई, चाहे सीधा वायर ले लो या उसको टेढ़ा मेढ़ा करके ले लो तो लेंथ ही रहेगी ना। तो उसकी लेंथ क्या होगी? ABCDA। कैसे होगी सर? यहां से स्टार्ट हुआ ए से ABCDA और A पे अंत हो गया, तो इसकी लेंथ होगी ABCDA। कभी भी मैग्नेटिक लेंथ पूछा जाए तो बता देना कि ये होती है। आगे क्या आता है? एक्स सेक्शन। एक्स सेक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया मतलब सर इसका क्षेत्रफल। अब देखिए एरिया ऑफ एक्स सेक्शन और लेंथ बताते हैं आपको। अब ये क्या है? कागज कितना चौड़ा है, तो इसको कह देंगे एरिया ऑफ एक्स सेक्शन, और इसको अगर मैं पतला कर दूं इस तरीके से इसकी लेंथ बना दूं तो ये कहलाएगी लेंथ, समझे बात? इसकी लंबाई। तो एरिया ऑफ एक्स सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड करती है, क्या करती है? रिलक्टेंस डिपेंड करता है। और सर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है? परमिएबिलिटी। वो आपको पहले बता चुके हैं कि परमिएबिलिटी क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल ले रहे हो, समझे बात? तो अब आगे चलते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सर एनालिसिस का मतलब होता है कैलकुलेशन बोले, ऑब्जर्वेशन बोले, या कभी कभी इसको एनकाउंटर भी बोल देता है सर्किट के अंदर, एनकाउंटर करिए सर्किट का, तो उसका कैलकुलेशन के लिए एनकाउंटर शब्द यूज में लिया जाता है। तो आप जानते ही हैं फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मेटेरियल के अंदर। बी किसका सिंबल है? फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल, क्या यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का सिंबल हम आपको बताए थे कि बी होता है, बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी बी इक्वल टू फाइव अपॉन ए इज द
फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको पहले ही अच्छे से बता चुके हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो रहा है रिकॉल ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, यानी मैग्नेटिक सर्किट को अच्छे से दोहराया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहां से, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ये भी आपको बता चुके हैं। मैं इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी को, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी मैग्नेटाइजेशन फोर्स, समझे बात, किसी भी मटेरियल में। तो इसका फॉर्मूला हम आपको पहले बताए थे कि जो मैग्नेटाइजेशन फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी सर्किट में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दैट सर्किट, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी पढ़ाए थे ना एक लेक्चर, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द B एंड H, यानी वह रिलेशन। तो वहीं से फॉर्मूला क्या आता है, B इक्वल्स टू म्यू H, B इक्वल्स टू म्यू H, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना आप, B इक्वल्स टू म्यू H। तो म्यू का मतलब सर होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, म्यू का मतलब होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी को हम सर म्यू नॉट म्यू आर एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं, ये क्या लिख रहा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर और एच। अगर सर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, तो इतना सारा पोर्शन में बी के नीचे ना ले जा सकता, बिल्कुल ले जा सकता हूँ, यानी म्यू नॉट म्यू आर आर इक्वल टू एच। तो बन गया ना ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। तो कहने का मतलब ये हुआ सर, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, यानी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है किसी भी सर्किट के अक्रॉस क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन फोर्स। तो H बराबर क्या होता है भैया, H क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स बोले या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बोले। तो इसका फॉर्मूला हम अभी आपको बताए हैं, B अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। तो सर B का फॉर्मूला क्या था, B का फॉर्मूला तो ये था ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और वो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, उसका जो फॉर्मूला होता है। तो सर इस फॉर्मूले को मैं इस B की जगह रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो, H इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। तो सर अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो हमें पता है ऊपर अगर कोई चीज नीचे होती है, यानी इस तरीके से होती है, तो A को नीचे ले लिया जाता है, बिल्कुल ले लिया जाता है, H इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया म्यू नॉट म्यू आर, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया सर यहाँ से। हम आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स होती है, वो क्या होती है, MMF पर यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे, एच इक्वल टू एन आई अपॉन एल, एन आई अपॉन एल। लेकिन सर आप तो इस फॉर्मूले को भूल गए, आपने तो यहां कुछ और फॉर्मूला लिखवा दिया, H का आपने लिखवा दिया H इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया म्यू नॉट म्यू आर, सर आपने ये वाला फॉर्मूला यहां से लिखवा दिया। ये दोनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के, यानी कहने का मतलब यही है। तो फाइनली उस सारा रिलेशन सॉल्व करने के बाद, सारी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, यानी कि phi इक्वल टू N इंटू आई क्या होता है सर, MMF होता है, यानी N इंटू आई को बोलते हैं MMF, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर, यानी पर बोलते हैं अपॉन को, इसको बोलते हैं अपॉन, इसके नीचे कोई भी चीज लिखी हुई होती है तो उसको बोलते हैं MMF पर। नीचे क्या लिख रहा है सर, L अपॉन एरिया म्यू नॉट म्यू आर, इसको टोटली बोला जाता है रिलक्टेंस, इसको टोटली क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस, यानी रेसिस्टेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक सर्किट इज नोन एज रिलक्टेंस, यानी रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है एल अपॉन एरिया म्यू नॉट म्यू आर। अच्छा सर, यानी फ्लक्स इक्वल्स टू MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी सर्किट का रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो उस सर्किट के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो कम होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई सर्किट अच्छे से मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो नहीं करा पा रहा है तो समझ जाइए उसका रिलक्टेंस हाई है, यानी गुड परमेबिलिटी मटेरियल नहीं है, उसकी परमेबिलिटी कैसी है, लो।
तो यहां से ये क्लियर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा रिलेशन ये याद रखना, आप पीछे जो कराया भले उसको भूल जाना लेकिन इसको याद रखना यहां से, और सारा याद हो जाता है तब तो अच्छी ही बात है। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ ऑन रिलक्टेंस याद रखना, इस फॉर्मूले को भी नोट डाउन कर लेना है, फॉर्मूला ऑफ रिलक्टेंस इज द एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इनटू एरिया, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, रिलक्टेंस का फॉर्मूला है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव लो वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस, यानी कि लो वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस का मतलब क्या है, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से फ्लो करा पाते हैं बहुत ज्यादा आसानी से। कौन कौन से मटेरियल्स, जिनकी म्यू आर, यानी म्यू आर बोले तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, यानी म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी किसी भी सर्किट में अगर म्यू आर की वैल्यू हाई है तो समझ जाइए उसका रिलक्टेंस लो है। ये कहां से प्रूफ होके आता है सर, यही आपको बताने वाले हैं आप। रिलक्टेंस बिकॉज क्यों होती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में रिलक्टेंस की वैल्यू लो, क्योंकि वो मटेरियल परमिएबिलिटी की वैल्यू हाई रखता है, यानी म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रखता है। वो कौन कौन से मटेरियल होते हैं भैया, वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स याद रखिए, ऐसे मटेरियल्स में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनमें म्यू आर की वैल्यू हाई होती है और रिलक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा लो होती है। ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं सर, ऐसा है आयरन, आयरन और सॉफ्ट स्टील, सॉफ्ट स्टील याद रखना, आयरन और सॉफ्ट स्टील ऐसे मटेरियल हैं जिनमें रिलक्टेंस बहुत कम होता है और म्यू आर की वैल्यू यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, वुड यानी लकड़ी, एयर यानी हवा, वायु, वायु क्या है, गुड, ना तो वो अच्छा इंसुलेटर है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ना ही गुड कंडक्टर है, ना ही तो अच्छे से फ्लो करा पाता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ना ही अच्छे से रोक पाता है। एयर इज नॉट गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर नॉर मैग्नेटिक कंडक्टर बोल सकते हैं इसको। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, प्लेटिनियम, कार्बन, अच्छा सर मोटर के अंदर तो कॉपर का यूज किया जाता है, भैया वो प्योर कॉपर नहीं होता, उसमें कुछ मिक्सचर किया जाता है, यानी एलॉय होता है कॉपर का, कॉपर एलॉय होता है, वो एलॉय बोले तो दो धातुओं को मिक्स करके बनाई हुई चीज को एलॉय बोलते हैं। मोटर के अंदर कभी प्योर कॉपर यूज नहीं होता है, प्योर कॉपर क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है, समझे बात। इसीलिए कॉपर के तार के ऊपर एक इंसुलेटिंग कवरिंग की जाती है उसको एलॉय बनाने के लिए। तो सर ये जो होते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो आपने सभी नाम लिखवाए, ये क्या होते हैं, इनकी म्यू की वैल्यू जो होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, लो होती है इनके अंदर, यानी यहाँ लिख लीजिए लो होती है। तो अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू लो है सर इनके अंदर, तो सीधे सीधे बात है रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता होगा। हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से फ्लो नहीं करा पाते, इसीलिए ये किसकी श्रेणी में रखे गए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की श्रेणी में रखे गए, यानी रिलक्टेंस की वैल्यू हाई और इनके अंदर परमिएबिलिटी की वैल्यू लो हो जाती है। तो सर ये कैसे पता करें कि कौन से मटेरियल के अंदर कैसे होगा, फॉर्मूला भी तो होता होगा कुछ, हाँ बिल्कुल वही अब आपको लिखवाने वाले हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया, अब आपने सोचा होगा कि फॉर्मूला है लिख के छोड़ दो इसका कोई मतलब नहीं है, भैया ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज भी पढ़ा जाएगा और लास्ट तक पढ़ा जाएगा जब तक मैग्नेटिक मशीन चलेगा, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है सर, किसी सर्किट में हमने बोला था अगर रिलक्टेंस की वैल्यू लो है तो अच्छे से फ्लक्स को पास करा पाता है, तो इसी फॉर्मूले से तो निर्धारित हुआ वो, हमने कुछ नहीं बोला, ये फॉर्मूला ही बता के गया। हमने बोला किसी सर्किट के अंदर रिलक्टेंस की वैल्यू हाई है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कम फ्लो होगा, यानी इसीलिए इसमें लिखा है फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, यानी इस तरीके से लिखा है ना फॉर्मूला, फाइव इक्वल टू वन अपॉन रिलक्टेंस, यानी फाइव इक्वल टू वन अपॉन एस, एस किसका सिंबल है रिलक्टेंस का, यानी इस तरीके से ही इनडायरेक्टली लिखने का मतलब क्या है, यानी किसी चीज को इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तभी लिखा जाता है कि वो या तो एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, यानी इस तरीके से समान समान नहीं होंगी, इस सर्किट में रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा
तो रिलक्टेंस कम होगा। यानी इस तरीके से मैं एरो लगा देता हूं ऊपर नीचे, यानी एक एरो ऊपर जाता है दूसरा एरो नीचे आता है, इसका मतलब ये होता है। तो सर ये आमने सामने जो लिखे हुए होते हैं इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है अगर किसी सर्किट में फ्लक्स ज्यादा फ्लो हो रहा है तो MMF भी ज्यादा ही होगा। भैया जितना ज्यादा खाना दोगे वो उतना ही ज्यादा ताकत लगा पाएगा, यानी जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ही ज्यादा फ्लक्स पैदा होगा। यानी किसी सर्किट में V के कारण क्या पैदा होता है? I पैदा होता है, और I के कारण phi पैदा होता है। ये याद रख लिए, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना हमेशा। वोल्टेज देते हो किसी भी सर्किट में उसके कारण करंट पैदा होता है, अगर वो मैग्नेटिक मेटीरियल है तो उसमें फ्लक्स भी बनेगा, अगर नहीं है तो करंट ही चलता रहेगा। तो यहां से एक प्रूफ होता है, यहां से क्या प्रूफ होता है? मैग्नेटिक सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व से आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर BH कर्व क्या होती है, किस तरीके से वो उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, रिटेंटिविटी क्या होती है, कोरोसिविटी क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन।